हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल नॉलेज इन्फो। आज हम बात करने वाले हैं सेल्स प्रमोशन के फैक्टर्स के बारे में, जहां पे एडवर्टाइजिंग और सेल्स प्रमोशन के बारे में बताएंगे आपको हम, और कैसे एडवर्टाइजिंग की जाती है उसके बारे में बताएंगे। देखिए, एडवर्टाइजिंग और पब्लिसिटी के बारे में अगर हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स पर प्रमोशन और कम्युनिकेशन के बारे में डिफरेंस बताएं, सबसे पहले बात करेंगे एडवर्टाइजिंग जो होती है पेड फॉर्म होती है, यानी कि एडवर्टाइजमेंट कोई कंपनी अगर अपने प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट करती है तो उसको जो है एडवर्टाइजर को पे करना पड़ता है। पब्लिसिटी जो होती है नॉन पेड फॉर्म होती है, पब्लिसिटी पेड फॉर्म नहीं होती, यानी पब्लिसिटी जो है पे करके नहीं कमाई जा सकती, जबकि एडवर्टाइजमेंट से पे करके जो है एडवर्टाइजमेंट अपने प्रोडक्ट का किया जा सकता है। एडवर्टाइजिंग मैक्सिमम कंट्रोल ओवर द मैसेज, ठीक है, और पब्लिसिटी में लेस कंट्रोल ओवर द मैसेज, यानी कि जो कंट्रोल ओवर होता है मैसेज का वो मैक्सिमम होता है एडवर्टाइजिंग में, और पब्लिसिटी में लेस ओवर होता है, लेस क्रेडिबल होता है और पब्लिसिटी में मोर क्रेडिबल होता है। जो एडवर्टाइजिंग होती है वो सब्जेक्टिव होती है, यानी कि आपके प्रोडक्ट को लेकर के ही सिर्फ बात कही जाती है, और पब्लिसिटी में क्या होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है, यानी कि ऑब्जेक्ट को लेकर बात कही जाती है। एडवर्टाइजिंग में क्या होता है, प्रोडक्ट ब्रांड रिलेटेड मैसेज होता है, यानी कि जो ब्रांड होता है, जिस ब्रांड का जो प्रोडक्ट होता है उसी से रिलेटेड मैसेज होता है, जबकि पब्लिसिटी में मैसेज होता है पब्लिक इंटरेस्ट के बिहाफ पे। तो ये मेन डिफरेंस होता है एडवर्टाइजिंग और पब्लिसिटी में। एडवर्टाइजिंग स्लो रिस्पॉन्स देती है, जबकि सेल्स प्रमोशन रिस्पॉन्सिबल होता है तुरंत इफेक्ट करने के लिए। एडवर्टाइजिंग इनडायरेक्ट अप्रोच होती है, यानी कि जो एडवर्टाइजिंग होती है जो अप्रोच होती है वो इनडायरेक्ट तरीके से होती है, जबकि सेल्स प्रमोशन में डायरेक्ट तरीके से होती है। एडवर्टाइजिंग एक फ्रीक्वेंट और रिपीटेटिव जो है वो मेथड है, जबकि सेल्स प्रमोशन वो नॉन रिक्यूरिंग और प्रमोशनल एफर्ट्स के द्वारा जो है दिया जाता है। तो ये मेन डिफरेंस होता है एडवर्टाइजिंग और सेल्स प्रमोशन में। अगर प्रमोशन मिक्स की बात करें तो जो प्रमोशन मिक्स किसी भी प्रोडक्ट को, यानी कि कंपनी के किसी प्रोडक्ट को उठाने के लिए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, इसमें एडवर्टाइजिंग आता है, पर्सनल सेलिंग आता है, सेल्स प्रमोशन आता है और पब्लिसिटी आती है। तो ये चार जो फोर की फैक्टर्स है, एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन एंड पब्लिसिटी, ये मेन की फैक्टर्स हैं प्रमोशन मिक्स के, जिसके द्वारा जो है किसी कंपनी का प्रोडक्ट काफ़ी पब्लिसिटी और काफ़ी लोगों तक पहुंचता है, तभी ये सबसे ज़्यादा सेल होता है और उसमें कंपनी का ब्रांड भी जो है उसके रेस करता है। तो ये डिफरेंस होता है एडवर्टाइजिंग और सेल्स प्रमोशन में। ध्यान रखिएगा, एडवर्टाइजिंग जो होती है वो पोजीशन करती है प्रोडक्ट या सर्विस में कॉम्पिटिटर्स के अगेंस्ट में, जहाँ पे आपका ब्रांड मैसेज करता है कंज्यूमर्स और कस्टमर्स को प्रोडक्ट की वैल्यू को, जो जहाँ पे कंज्यूमर्स उसको बेनिफिट मिलता है। जहाँ पे अगर सेल्स प्रमोशन की बात करें तो एक वैरायटी ऑफ स्ट्रेटजीज होती है जो कि डिज़ाइन की जाती है ऑफ परचेस, यहाँ पे एक्स्ट्रा इंसेंटिव उसको खरीदा जा सकता है। तो ये मेन डिफरेंस होता है प्रमोशन मिक्स और एडवर्टाइजिंग में सेल्स प्रमोशन में, जो कि प्रोडक्ट प्रमोशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। थैंक यू फ्रेंड्स, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा नॉलेज इन्फो को, जिससे कि आपको हमारे आगे आने वाले नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती है। प्लीज़ सब्सक्राइब नॉलेज इन्फो, वर्ल्ड ऑफ नॉलेज इम्प्लीमेंटेशन।